हीरा, ये शब्द सुनते ही सभी लोगों की आंखों में एक चमक दौड़ जाती है और साथ ही उनकी कल्पना में हीरे की अंगूठी से लेकर हर वो आभूषण सामने दिखने लगते हैं जो हीरे से बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही हीरा एक दिन हमारी पृथ्वी की रक्षा करने के काम में आ सकता है? जी हां, सुनने में ये भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसका सार यही है कि हीरे की मदद से पृथ्वी को बचाया जा सकता है, इसकी रक्षा की जा सकती है। तो आखिरकार ऐसा वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं, किस तरीके से हीरे से पृथ्वी की रक्षा हो सकती है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हां, वैज्ञानिकों का ये दावा उस स्टडी के आधार पर है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से इस हीरे की मदद से हमारे पृथ्वी पर एक आवरण तैयार किया जा सकता है और इस आवरण से हम हर उन चीजों को पृथ्वी पर आने से रोक सकते हैं जो पृथ्वी के लिए विध्वंसकारी साबित हो सकता है। तो कैसे ये आवरण बनेगा और किस तरीके से पृथ्वी की रक्षा होगी, आइए उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है, जिस तरीके से इसका तापमान बढ़ता जा रहा है, उसने हमारे वैज्ञानिकों को इस चिंता में डाल दिया है कि आने वाले दिनों में जब तापमान और बढ़ेगा तब हमारी पृथ्वी का क्या होगा। इससे बचने के लिए वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि दुनिया भर में ऐसे सभी मानवीय कार्यों पर लगाम लगा दिया जाए जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो ये भी जानते हैं कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ये सब बहुत जरूरी भले ही हो लेकिन काफी नहीं है। ऐसे में दुनिया को ठंडी रखने के उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए एक उपाय है, एक समाधान है, जियो इंजीनियरिंग, जिसमें वायुमंडल में ऐसे पदार्थ का छिड़काव किया जाए जिससे सूर्य से आने वाली रोशनी, जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन भी उत्पन्न करती है, वो उसी आवरण से, यानी उस जो पदार्थ का छिड़काव किया जाएगा उससे टकराकर वापस लौट जाए। इसमें सल्फर के पदार्थ का छिड़काव का सुझाव दिया गया था, लेकिन अब नई स्टडी में इसकी जगह हीरे के धूल को छिड़कने का सुझाव दिया गया है। तो आखिरकार इस हीरे के धूल को कैसे छिड़का जाएगा जिससे जो अत्यधिक रोशनी है, ऐसा नहीं है कि सूरज की सभी रोशनी को रोक दिया जाए, बल्कि जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ऐसी रोशनी को रोक दिया जाए, और उसके लिए हीरे के धूल का उपाय सोचा गया है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक स्टडी में ये अनोखा सुझाव दिया गया है। इसके अनुसार वायुमंडल में हीरे की धूल को इंजेक्ट करने से ग्रह को संभावित रूप से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जा सकता है। इस स्टडी में ये पता लगाया गया है कि क्या हीरा सल्फर जैसी सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों के विपरीत स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के लिए एक सुरक्षित और अधिक प्रभावी तरीका पेश कर सकता है। जहां वैज्ञानिकों ने यह स्टडी की है कि सल्फर कई मायने में हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक हो सकता है, तो क्या उसकी जगह पर हीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सल्फर के अपने कई विपरीत प्रभाव हो सकते हैं और उससे भी प्रदूषण फैल सकता है। इस विधि का मकसद ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करना है, जैसा कि जियो इंजीनियरिंग तकनीक में बताया जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फर एक तरह का कूलिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ये ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रेरित है जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करते हैं।
लेकिन सल्फर की कुछ समस्याएं भी है। जी हाँ, इसका जो मैंने बताया कि इसका कोई विपरीत असर भी हो सकता है, जैसा कि ज्वालामुखी उत्सर्जन में होता है, वो खुद ही वायु प्रदूषण का कारक बन सकता है। इसका उपयोग ओजोन की कमी और एसिड रेन सहित महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। ऐसे में नई स्टडी में हीरे की धूल को अच्छा विकल्प बताया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार हीरा ही क्यों विकल्प के रूप में चुना गया है? तो हीरे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं और वे सल्फर के जैसे खतरे पैदा नहीं करेंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न सामग्रियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए जटिल जलवायु मॉडल चलाए। हीरे अपने परावर्तक गुणों और एक साथ चिपके बिना ऊपर रहने की क्षमता के कारण अधिक उम्मीदें जगाते हैं। ऐसे में वे सल्फर से बेहतर कूलिंग एजेंट साबित होंगे। लेकिन यहां पर एक जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि हीरे एक आशाजनक समाधान तो पेश कर सकते हैं, लेकिन उसकी लागत एक बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। सिंथेटिक हीरे की धूल की अनुमानित लागत लगभग 4,20,00,000 रुपए प्रति टन है। इसलिए उत्पादन को बढ़ाकर 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के लिए भारी लागत आएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार 2035 से 2100 तक हीरे की धूल को तैनात करने की लागत 147 खरब रुपए से ज्यादा हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह कीमत अपेक्षाकृत सस्ते सल्फर से बहुत ज्यादा है, जो आसानी से उपलब्ध भी है और इसे फैलाना भी बहुत आसान है। तो वैज्ञानिकों का सुझाव है कि सल्फर अभी भी अपनी कम लागत और उपयोग में आसानी के कारण पसंदीदा सामग्री हो सकती है। हीरे जैसे वैकल्पिक सामग्रियों के अध्ययन सहित जियो इंजीनियरिंग रिसर्च एक विवाद का विषय बना हुआ है। तो वैज्ञानिक की ये जो नई स्टडी है वो यही सुझाव दे रही है कि हीरे के धूल कण को अगर वायुमंडल में छिड़का जाए तो पृथ्वी का तापमान कम हो सकता है, और इसमें वो कोई भी हानिकारक कारक नहीं है जो इसको वायु प्रदूषण की श्रेणी में लेकर जाए, जबकि सल्फर के साथ ऐसा है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बाधा है वो इसकी कीमत। मगर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जब बात अस्तित्व की होगी, जब पृथ्वी को बचाने की होगी, तो ये लागत बहुत बड़ी लागत नहीं है। बल्कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर पृथ्वी को ठंडा करना ही एकमात्र उपाय बच जाए, अगर मानवीय जीवन को बचाने के लिए और दूसरी जो जीवन है हमारी पृथ्वी पर, पेड़ पौधे हैं, तमाम चीज़ें हैं, अगर एकमात्र उपाय यही बच जाए कि हीरे के कण को ऊपर छिड़का जाए तभी ये हो सकता है, तो उस वक्त लागत को नहीं देखा जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक यही चाहते हैं कि हर उस विकल्प पर विचार किया जाए जिससे हमारी पृथ्वी की सुरक्षा हो सकती है। और हीरा, जिसके बारे में आपको भी पता है कि ये रिफ्लेक्टिंग एजेंट है, मतलब कोई भी प्रकाश अगर इस पर पड़ता है तो उसको रिफ्लेक्ट जितना ज़्यादा हीरा कर सकता है कोई दूसरा तत्व या दूसरा पदार्थ नहीं कर सकता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस हीरे को चुना और हीरे के धूल के कण को छिड़क करके वो पृथ्वी को ठंडा करने के उपाय पर लगातार शोध कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।